بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لله تعالى السلام عليكم ما دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ما الله تعالى کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد के बाद उसका शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें दीन इस्लाम की नमत से नवाजा शहादतन का तफसीली माना जैसे कि मैंने पिछले दर्स में कहा था मोहम्मद रसूल अल्लाह का मतलब ये है कि मुहमद इबन अब्दुल्ला इबन अब्दुलमिब अल हाशिमी अलैशी अल्लाह के बंदे और तमाम मखलूक के रसूल हैं और आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो कुछ पहुंचाया उन सब की ख़बर देने में आप सच्चे हैं उनमें से ये है सिरात हम पर यह फ़र्ज़ है कि पुल सिरात पर यकीन रखें ये पुल जहन्नम के ऊपर है जिससे हर इंसान ने पार करना होगा ये पुल तब्दील शुदा जमीन से शुरू होकर जन्नत से पहले खत्म होगा कुफार पुल रात पर चढ़ते ही दोजख में गिर जाएंगे और जो लोग थोड़ी देर पुल स्वे रात पर जाएंगे और फिर दोजख में गिर जाएंगे ये वो लोग होंगे जिनका अकीदा सही था लेकिन उन्होंने गुनाह किए थे अल्लाह तआला के हुक्म से उनको उनके गुनाहों की सजा पूरी करने के बाद जहन्नम से निकाल दिया जाएगा और ये भी है कि अल्लाह उनमें से कुछ को सज़ा पूरी होने से पहले नबी की शफात से जहन्नम से निकाल दे कुछ मुमिन बिजली की तरह पुल रात पर से गुजरेंगे पुल रात पर से गुजरने में आसानी हो या मुश्किल होना ये बंदे के अच्छे और बुरे आमाल पर है शफात यहाँ पर शफात का मफहूम ये है कि आखरत में कोई तआला से किसी और के लिए उसके आजाब को मुआफ करने की तलब यानी दुआ मांगेगा शफात मांगने वालों में अम्बिया नेक अमल करने वाले फरिश्ते और अल्लाह की राह में लड़ने वाले शहीद शामिल होंगे और इस शफात के नतीजे में कुछ गुनाहगार मुसलमान बख्श दिए जाएंगे कुछ मुसलमान जहन्नम में दाखिल होने से पहले मुआफ कर दिए जाएंगे और कुछ जहन्नम में दाखिल होने के बाद लेकिन आदाब की मुद्दत पूरी होने से पहले शफात के जरिए निकाल दिए जाएंगे शफात सिर्फ मुमिनों के लिए होगी काफिरों के लिए नहीं जहन्नम जहन्नम वो जगह है जहा काफिर और कुछ गुनाहगार मुसलमानों को गुनाहों की सजा मिलेगी जहन्नम की आग एक सच्चाई और असल हकीकत है ये ऐसी आग है ना ही तो बुझती है और ना ही कभी खत्म होगी काफिर जहन्नम की आग में हमेशा के लिए आजाब में होंगे और उनका ये आजाब कभी खत्म ना होगा और ना कभी कम होगा लेकिन गुनाहगार मुसलमान जो जहन्नम भेजे गए वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे अल्लाह के हुक्म से अपनी सजा पूरी करने के बाद जहन्नम से निकाल दिए जाएंगे यानी यानी के आखिरकार उनको दोजख से निकालने के बाद जन्नत में दाखिल किया जाएगा जन्नत जन्नत पर यकीन रखना फर्ज है जन्नत मौजूद है जो के सातवें आसमान के ऊपर है अर्श जन्नत की छत है और अर्श जन्नत से काफी बड़ा है जन्नत के बहुत से दर्जात हैं जिनमें से सबसे आला दर्जा फिरदोस है और फिरदोस के ऊपर है अल्लाह को देखना ममिनों का आखरत में आंखों से अल्लाह आला को देखना मुमिन अल्लाह को बगैर कैफियत बगैर जगह और बगैर सिमत के देखेंगे यानी जन्नत के लोग अल्लाह को अपनी आंखों से देखेंगे उस तरह नहीं जिस तरह मखलूकत को देखा जाता है यानी खुदा किसी जगह में नहीं होगा ना ही किसी जिहत में क्योंकि अल्लाह तआला जिस्मानी शफात से पाक है अल्लाह तआला जगह और जिहत से पाक है अल्लाह ना कोई जिस्म है और ना ही किसी जगह का मोहताज है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाही अलैहि, ने अपनी किताब फिकुल अकबर में वाजे बयान किया है और दूसरे उलमा ने भी बयान किया है कि अल्लाह को देखना सबसे बड़ी नेमत होगी उनके लिए जो जन्नती होंगे यानी जन्नत में रहने वाले और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे आमीन अम्बिया अम्बिया किराम, राम अलह वसलाम कुफर से पाक हैं कबीरा और क़स्त वाले सगीरा गुनाह हों यानी वो गुनाह जिनसे बद किरदारी जाहिर हो से पाक हैं नबूत से पहले और नबूत के बाद भी सब अम्बिया का दीन इस्लाम ही था सबसे पहले नबी आदम थे और सबसे आखिरी नबी वसल्लम हैं। मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि नबी पाक अलैहि सल्लाम अल्लाह तआला के भेजे गए आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा लेकिन नबी अलैहिस्सलाम, जो कि दूसरे आसमान पर मौजूद हैं, वो क़यामत से पहले फिर जमीन पर भेजे जाएंगे और जब वो दोबारा दुनिया में भेजे जाएंगे वो नबी मोहम्मद म के अहकाम पर चलेंगे सूरत की आयत नंबर चालीस में खास जिक्र किया गया है कि मोहम्मद वसलम खातमनबीन है यानी उनके बाद कोई और नया नबी नहीं आएगा और अगर और अगर कोई इंसान ये कहता है कि नबी पाक अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आएगा कोई और नया नबी आएगा तो वो कुफर करता है और दीने इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है यानी कि वो काफिर है क्योंकि उसने कुरान को जुटलाया हम पर ये फर्ज है कि हम अल्लाह ताला के सारे भेजे हुए अम्बिया पर यकीन रखें हर नबी को अल्लाह तआला ने इन सारी सिफात से नवाजा है कि वो सारे सच्चे भरोसामंद हिम्मत वाले खूबसूरत उम्दा और आला अखलाक वाले और नहायत जहीन थे जिंदगी में कभी किसी नबी ने झूठ नहीं बोला ना ही नबूत से पहले और ना ही नबूत मिलने के बाद कभी किसी को धोखा दिया ना ही नबूत से पहले और ना ही नबूत मिलने के बाद हर नबी नहायत जहीन और इस काबिल था कि काफिरों के गलत दावों की तरद दलायल और सबूत के साथ कर सके और उनके काफिराना दावों को गलत साबित कर सके उन्होंने अल्लाह के सारे अहकाम अल्लाह के बंदों तक ईमानदारी से पहुँचाए बिना किसी कमी और तब्दीली के नतीजतन झूठ, बुजदली धोखाबाजी दरो गोई अहमकाना और बेवकूफ़ी या बद इखलाकी और नीचापन किसी नबी में नहीं था यानी वो इन सारी शफात से पाक थे और उन चीज़ों से भी पाक थे जिससे लोग मुतनफ़िर हो जाते यानी दूर हो जाते ना तो उनके जिस्म में या इखलाक में ऐसी चीज थी जिससे लोग दूर हो जाते ना ही उन्हें कोई ऐसी बीमारी थी जिससे लोग मुतनफ़िर यानी दूर हो जाते किसी नबी से नीच हरकत गैर अख्लाकी या फ़हाशी का अमल सरजद नहीं हुआ ना ही नबूत से पहले और ना ही नबूत मिलने के बाद फ़राइज में सबसे अफजल फ़र्ज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह के बारे में सही अकीदा रखना और अल्लाह और मखलूक के दरमियान इम्तियाज रखना अल्लाह तआला पर सही ईमान रखना है जो अल्लाह के लिए लायक है मैं अब इसकी तफसील बयान करूंगी ये ईमान रखना कि अल्लाह की जात किसी भी जात की मुशाबे नहीं वो शफात कमाल से मुतसिफ है जो उसके लायक है वाहिद है अपनी जात में जिसका कोई शरीक नहीं और जिसका कोई सानी नहीं वाहिद है अपनी सिफात में अल्लाह की सिफात की तरह किसी की सिफात नहीं मौजूद है बिला इब्तिदा के दायम है बिला इंतिहा के यानी वो अजली और अबदी है सदा रहने वाला है फानी नहीं हर शय उसकी मोहताज है वो किसी का मोहताज नहीं हाई है यानी जिंदा है लेकिन उसकी हयात हमारी हयात की तरह नहीं रूह बदन खून हड्डियों का इज्तम नहीं आलिम है हर शे का उस इल्म से जो बढ़ता नहीं गटता नहीं जो उसकी मशीयत है वो ही होता है और जो उसकी मशियत नहीं वो नहीं होता कादिर है हर शे पर आजिज नहीं कोई उसे आजिश नहीं कर सकता सुनने वाला है सारी मुसमुआत को यानी सारी सुनने वाली चीजों को सुन सकता है अजली अब किसी कान का वो मोहताज नहीं ना ही किसी और आलात का वो बदलता नहीं देखने वाला है वो सारी मुस्रात को यानी सारी देखने वाली चीजों को देखता है अजली बसवर से किसी आंख का वो मोहताज नहीं ना ही रोशनी की किरणों का अल्लाह का कलाम अजली और अबदी है ना वो हर्फ ना आवाज और ना ही लगत है यानी कोई जुबान नहीं वो हमारे कलाम की तरह नहीं ना जुरा हुआ ना ही यानी न ही ठहर ठहर के लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान वही से नाजिल किया जो एक मुआजा है और अरबी जुबान में है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम की जुबान थी वो अल्लाह जाति कलाम यानी उसकी जफात की इबारत है इस नाजिल करदा लफ्ज कुरान को भी अल्लाह कहा जाता है क्योंकि वो तकलीफे बशर नहीं यानी किसी इंसान ने नहीं लिखा और ना ही वो फरिश्तों की तकलीफ है अफजल वाजिबात में पहले अल्लाह पर सही ईमान रखना जिसका हम कर चुके हैं फिर सही ईमान रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम पर रखना जो उनके लायक है अल्लाह ने उन्हें इंसानों और जिनों को इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा है अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने का मतलब ये है के अम्बिया के बारे में सही अकीदा रखना यानी के तमाम अम्बिया सच्चे और अमानतदार मुसलमान मर्द थे जिन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। अल्लाह के हर एक नबी ने मुकम्मल पैगाम पहुंचाया और जिसे भी मिले उनसे कुछ ना छुपाया मैं यहाँ पर आज का दर्स ख़त्म करती हूँ इन शाह हम फिर मिलेंगे अगले दर्स में जिसमें मैं आपको कुफर के बारे में बताऊँगी आप मुझे और मेरे अहल ख़ाना को भी अपनी दुआओं में याद रखें الامان